दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं YouTube से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स बनाता हूं और नए क्रिएटर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हूं अपने Instagram प्रोफाइल की मदद से, अपने YouTube चैनल की मदद से, और Facebook पर भी बहुत लोग जो है मैसेज करते हैं, वहां पर भी मैं जो है हेल्प करने की कोशिश करता हूं। लेकिन दोस्तों, बात रह गई कमेंट कर हेल्प करना या जो है मैसेज का रिप्लाई देकर हेल्प करना, इससे लोगों को मैं अच्छे से नहीं समझा पाता हूं और मैं सभी लोगों के कमेंट का जो है रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूं। और ऐसे में दोस्तों कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप जो है समय के साथ भूलते जा रहे हैं, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके कमेंट और मैसेज सभी मैं रीड करता हूं और उनका सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन गलती से अगर आपका कमेंट और मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो उसके लिए मैं पहले तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है जिससे कि अब आप सभी का चैनल भी ग्रो होगा और आप सभी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब मैं जो है प्रत्येक संडे को जो एक वीक का कमेंट रहेगा या जो एक वीक का मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज मिले रहेंगे, उन सभी का जो है मैं रिप्लाई देने वाला हूं। कमेंट का रिप्लाई तो मैं तुरंत दे दूंगा वीडियो के नीचे ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमसे अपना सवाल पूछना ही चाहते हैं तो आप जो इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, और आपको डीएम करते वक्त मैसेज के आगे जो भी आप मैसेज टाइप करेंगे उसके आगे आपको हैशटैग आस्क गुरुदेव टाइप करना है। जैसा कि टेक्नो गुरुदेव चैनल है तो आपको जो है गुरुदेव जो लास्ट वाला है वो जो हैशटैग लगाकर आपको हैशटैग आस्क गुरुदेव टाइप करना है, और आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद जो भी आप मुझे डीएम करेंगे, मैं उसका जो है संडे कमेंट में आपका जो है लाइव आकर, मतलब इसी तरह से वीडियो बनाकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, फाइनली मैंने सोचा कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं भी आप लोगों की पूरी तहे दिल से हेल्प करूं, और क्यों ना हम जो है कुछ ऐसा तरीका ढूंढें जिसमें कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, और आपके चैनल का नाम अगर मैं अपनी वीडियो में लेता हूं तो उससे आपके चैनल की ऑडियंस या आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी ग्रो करें। दोस्तों, संडे Q&A सेशन अब आपको प्रत्येक संडे जो है शाम को टेक्नो गुरुदेव YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक कर जो है कमेंट उठाते हैं, और इसमें किसी का भी मैं कमेंट अगर नहीं रीड कर पाता हूं तो प्लीज गुस्सा या नाराज मत होइएगा, मैं आपको नेक्स्ट संडे कमेंट में आपका जो भी कमेंट रहेगा उस पर जो है मैं आपका जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर कुछ कमेंट मैंने जो है कलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला कमेंट है दोस्तों अदिति तिवारी का, ये जो है मुझे कमेंट की है, थैंक्स फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डांसिंग चैनल, होप यू विल मेक मोर वीडियोज रिलेटेड टू डांसिंग इन फ्यूचर। तो मैंने एक डांसिंग के ऊपर दोस्तों एक वीडियो बनाया था कि डांसिंग चैनल में यूट्यूबर जो है कैसे बॉलीवुड सॉन्ग को यूज करते हैं। तो अदिति तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और इन्होंने जो है आशा किया कि फ्यूचर में भी मैं जो है डांसिंग के ऊपर जो है और भी टिप्स और ट्रिक जो है शेयर करूं। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डांस चैनल के ऊपर जो है मैं और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं और आप लोगों की हेल्प करूं। तो चलिए अगले कमेंट को देखते हैं। अगला कमेंट है दोस्तों यहाँ पर नंगली साहिब की तरफ से, इन्होंने लिखा है कि आपको फ़ोन कर सकता हूँ जी। सबसे पहले इनका मैं धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने जो है मेरी वीडियो को वॉच किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकता। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेक्नो गुरुदेव के प्रोफाइल पर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जो मैं सभी के डीएम का जो है लाइव रिप्लाई करता हूँ, साथ में हेल्प करता हूँ। तो फ़ोन तो फिलहाल मैं अवेलेबल नहीं कर सकता यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों एक कमेंट आया है अरविंद सर फैन की तरफ से, और इनका लिखना है कि भाई क्या बॉलीवुड का सॉन्ग डालकर मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग का यूज करते हैं अपने वीडियो में तो उस पर आएगा कॉपीराइट क्लेम, जिसकी वजह से आप जब अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका मोनेटाइजेशन, और यूट्यूब कहेगा कि उसमें जो है सुधार कीजिए, तो शायद आप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगला जो है कमेंट है आर्किटेक्ट स्नेहा की तरफ से आया है कमेंट, ये लिखती हैं कि सर मेरा एक चैनल है जिसमें वीडियो बनाती हूँ और MP3 यूज करती हूँ, वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है तो क्या मोनेटाइजेशन होगा, अगर होगा तो शेयरिंग मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है बॉलीवुड सॉन्ग यूज करने की वजह से, तो जब आप अप्लाई करेंगे मोनेटाइजेशन के लिए तो सबसे पहले तो रिजेक्ट हो जाएगा, मोनेटाइजेशन आपका जो है वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आप बॉलीवुड सॉन्ग का यूज मत कीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कीजिए जो कि कॉपीराइट फ्री रहे। तो बॉलीवुड सॉन्ग पर जो है आपको कॉपीराइट आएगा ही, जिससे कि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगला कमेंट है दोस्तों अमरदीप KR सिंह का, ये लिखते हैं नाइस सर मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ आपसे। तो अमरदीप जी, ऐसे ही मोटिवेट होते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं भी आपको फ्यूचर में जो है पूरी तहे दिल से जो है सपोर्ट करने की कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर अगला कमेंट है ये है CH जीवान की तरफ से, ये लिखते हैं सर अगर किसी नए याहू की आईडी से यूट्यूब और गूगल एडसेंस मेल आईडी बनाई है तो कोई मसला तो नहीं है सर? मतलब जहाँ एडसेंस में ईमेल मांगता है अगर वहाँ कोई याहू का मेल एड्रेस डाल दें तो कोई मसला तो नहीं होगा यूट्यूब को? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं
तो वहाँ पर जो है गूगल का ही ईमेल अकाउंट यूज कीजिए, क्योंकि गूगल जो है किसी अदर ईमेल को जो है सपोर्ट शायद नहीं करेगा, क्योंकि गूगल सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर यूज करने की परमिशन अलाउ करता है। तो आप वहाँ पर बिजनेस मेल में जो है याहू का ईमेल तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जीमेल का अकाउंट बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जीमेल का अकाउंट वहाँ पर डाल देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट है दोस्तों रूबी शर्मा की तरफ से, ये लिखती है नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, एक डाउट क्लियर कर दो, अगर एक ईयर का गैप देने के बाद हम अगर वीडियो अपलोड करें तो क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो रूबी शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पर एक साल पहले कुछ वीडियो अपलोड की थी, फिर बीच में जो है गैप हो गया और उसके बाद जो है चैनल पर फिर से वीडियो डालना स्टार्ट की हैं, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि चैनल ग्रो करने में काफ़ी मुश्किल होती है। चैनल तो ग्रो हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसी के लिए जो एक नया चैनल बना लेंगी तो आपका न्यू चैनल जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि उसको YouTube भी सजेस्ट करता है, लेकिन पुराने चैनल को YouTube जो है उसको बैकग्राउंड में ढकेल देता है और ऐसे चैनल को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे नहीं हुए थे तो आप जो एक नया चैनल बना लीजिए, अगर हो गए थे तो आप उस पर फिर से काम करते रहिए, लेकिन जो है काफ़ी मुश्किल होगा। तो अगला कमेंट है दोस्तों यहाँ पर शिवम इंडियन की तरफ से, ये कंग्रेचुलेशन सर लिखे हैं 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर। तो थैंक यू शिवम इंडियन जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि मेरे 1K सब्सक्राइबर जो है इसी सप्ताह कंप्लीट हुए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए। अगला कमेंट है दोस्तों नितिन राजपूत की तरफ से, ये लिखते हैं कि मेरा गूगल एडसेंस डिसेबल हो गया है, क्या मैं पुराने चैनल न्यू एडसेंस ओपन कर सकता हूँ जो तरीका आपने बताया? देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एडसेंस डिसेबल हो जाने पर आप दोबारा से एडसेंस बनाकर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है तो आप खुद एडसेंस नहीं बना सकते और ना ही उस यूट्यूब चैनल को लिंक कर सकते हैं। उस वीडियो में मिस्टेक हुआ था लेकिन उसको मैंने सही कर दिया है। आप जो है उस यूट्यूब चैनल को अब यूज नहीं कर सकते, पहले जो है यूज हो सकता था वो यूट्यूब चैनल, जबकि एडसेंस डिसेबल होता था तो उस यूट्यूब चैनल को किसी दूसरे एडसेंस से लिंक किया जा सकता था, लेकिन अब जो है एडसेंस डिसेबल होने पर आप उस यूट्यूब चैनल को लिंक नहीं कर पाएंगे। जब आप लिंक करना चाहेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, किसी अदर व्यक्ति के नाम पर भी अगर आप एडसेंस बनाकर उसको लिंक करेंगे तो वो लिंक नहीं होगा। तो आपको जो एक नया चैनल बनाना होगा और उसको जो है किसी अदर व्यक्ति के नाम पर एडसेंस बनाकर उससे लिंक करना होगा, तभी जो है आप यूट्यूब से दोबारा से अर्निंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगला कमेंट है महाकाल ऑफिशियल की तरफ से, ये लिखते हैं स्टेटस वीडियो में इंड स्क्रीन नहीं लग रहा है और ऐसा नोटिस आ रहा है, योर वीडियो हैज अनसपोर्टेड रिलेटिव रेशियो। तो स्टेटस वीडियो में भाई कैसे लग जाएगा, आपकी स्टेटस वीडियो जो है 9:16 की रेशियो में होगी तो उस पर जो है ये सपोर्ट नहीं करता है इंड स्क्रीन, तो उस पर नहीं लगेगी। आपको इसके लिए जो है 16:9 का जो है रेशियो वाली वीडियो बनानी होगी, जो कि फुल स्क्रीन में दिखती है, उसी पर जो है इंड स्क्रीन सपोर्ट करता है। आसान है विद पूजा सर, मेरे चैनल पर एक वीडियोज पॉपुलर कॉपीराइट क्लेम है, उसी से मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हुआ है और वीडियो हमारी रियल वॉयस की है, 30 डेज का टाइम पूरा हो गया है, फिर से मोनेटाइज करने भेजा है, मोनेटाइज होगा कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एक ही वीडियो पर जिस पर कि कॉपीराइट है, अगर उसी से वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, तब जब उसको आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब जो है थर्ड स्टेप में चेक करता है। तो चेक करते समय दोस्तों अगर YouTube को लगेगा ये वीडियो जो है कॉपीराइट क्लेम है और जो ऑनर है वो नहीं चाहता है कि इस वीडियो पर मोनेटाइजेशन इनेबल किया जाए, तो YouTube वहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। तो ये पूरी तरह से YouTube पर डिपेंड करता है कि वो आपके चैनल को मोनेटाइज करेगा कि नहीं। तो कॉपीराइट क्लेम वीडियो कम रखिए और अपनी खुद की वीडियो से जो है वॉच टाइम कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगला कमेंट है मैथ सॉल्यूशन अमन की तरफ से, ये लिखते हैं सर आपका पैसे आते हैं YouTube से बताना जरूर। तो मैथ सॉल्यूशन अमन, अभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही तो पैसे आते नहीं हैं, थोड़े वक्त लगते हैं, अब देखते हैं कि आप लोग का प्यार और सपोर्ट कब तक रहता है। तो इस चैनल से तो अभी पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैं बाकी दूसरे चैनल से जो है पैसे कमा लेता हूँ और आप लोग की हेल्प करने के लिए उतना तो कमा लेता हूँ कि आपके सामने जो है वीडियो बनाकर बोल सकूँ, तो पैसे तो इस चैनल से नहीं आते हैं। अगला कमेंट दोस्तों मुस्तफ़ा नसीरी की तरफ से, ये लिखते हैं ब्रदर कितने टाइम में आपका 1K सब्सक्राइबर हुए हैं? तो 1K सब्सक्राइबर पूरा करने में मुझे जो है लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं। आपको मैं बता दूं कि अप्रैल 2020 में मैंने चैनल बनाया था, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था और 1K सब्सक्राइबर पूरा करने में पूरे जो है 1 साल मुझे लग गए हैं, और अभी भी जो है देखते हैं कितना मेहनत करना है यूट्यूब पर और कितना आगे जाना है। कुकिंग विद फिरोज, ये लिखते हैं भाई माइक कितने रुपये का आएगा? तो मैं आपको बता दूं ये जो मैं माइक यूज करता हूं बोया एमोन माइक है, ये 600 से लेकर 700-800 रुपये में आ जाता है, और आपको अमेजोन की लिंक मैंने जो अपने वीडियो में दिया वहां पर क्लिक करके चेक किया कीजिए,
मैं जो जो भी चीज़ें यूज करता हूँ उसकी सभी की लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो 600 से 700 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा माइक के लिए। और यहाँ पर अगला कमेंट दोस्तों रवि प्रकाश की तरफ से ये लिखते हैं, अगर हम पेज पर स्टार्टिंग में कुछ फ़ोटो पोस्ट कर 10,000 फॉलोअर्स बना लें उसके बाद वीडियो डालना स्टार्ट करें तो हमारा पेज मोनेटाइजेशन होगा या हमें स्टार्टिंग से ही वीडियो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों इन्होंने कमेंट किया है फेसबुक पेज के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया था कि फेसबुक पेज को कैसे ग्रो करें, उससे कैसे यूट्यूब की तरह ही पैसे कमाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको केवल 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने, वो चाहे वीडियो डालकर कीजिए या फोटो डाल के कीजिए, वहाँ पर जो है कोई भी बाउंडेशन नहीं कि वीडियो से ही फॉलोअर्स आने चाहिए। तो 10,000 फॉलोअर आप फोटो डाल के भी कर सकते हैं, उसके बाद जो उस पर वीडियो डालकर वॉच टाइम बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगला कमेंट दोस्तों सूर्यवंशी की तरफ से ये लिखते हैं, हिंदी सॉन्ग कैसे यूज करें बिना कॉपीराइट के, हिंदी गाना कैसे यूज करें, ये प्रॉब्लम है सर जी, प्लीज़ रिप्लाई। दोस्तों ये बहुत सारे यूट्यूबर जो है बॉलीवुड सॉन्ग को यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे शुरू में, तो हम लोग के अंदर भी बहुत जो है ऐसी लालसा रहती थी कि हम लोग भी बॉलीवुड सॉन्ग को यूज करें अपने चैनल के वीडियो में, तो हम लोग करते थे और हमारा चैनल ही उस समय डिलीट हो जाता था। लेकिन अब तो कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो यूज तो कर सकते हैं लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आएगा और आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग यूज नहीं कर सकते जब तक आप कंपनी की तरफ से जो है कोई कंसल्टेंट नहीं करेंगे, मतलब कंपनी से मिलकर ही आप उस बॉलीवुड सॉन्ग को यूज कर पाएंगे। उस तरह से आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वो लोग देते ही हैं ताकि आपके वीडियो से उनको अर्निंग हो सके। तो बिना कॉपीराइट क्लेम का कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग यूज नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पर दोस्तों अगला कमेंट है दीपिका जोशी 1 मिलियन की तरफ से, ये लिखती हैं, ओ तेरी MCA एंड BCA वाओ इंटेलिजेंट। तो मैंने एक वीडियो बनाया था 0 to 1 के सब्सक्राइबर थैंक्स की जो वीडियो थी, उस पर जो है मैंने बताया था कि मेरी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे। तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके बाद जो है मैंने उसमें अपना सारा जो है बायो डाटा बता दिया है। तो मैंने अपना एजुकेशनल डेटा भी बताया था, तो MCA BCA मैंने किया हुआ है, BCA फिर MCA, तो करने के बाद अब तो यूट्यूब पर ही काम हो रहा है और आप लोग के सामने हूँ। और अगला कमेंट है दोस्तों टू स्टाइल की तरफ से, ये लिखते हैं, ब्रो एक वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें सब टाइटल ऐड करें। बिल्कुल बनाऊंगा ब्रदर, अगर आप लोग सपोर्ट और प्यार रहा तो, अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो यूट्यूब से रिलेटेड छोटे से छोटे टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाकर आप लोग की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और आगे जो है मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप लोग के साथ ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट करता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर अगला कमेंट है प्रो किल गेमर की तरफ से, ये लिखते हैं, कॉमन क्रिएटिव वाला NCS या म्यूजिक यूज कर सकता हूँ, हेल्प मी आंसर एस या नो। जी बिल्कुल, NCS म्यूजिक जो है कॉमन क्रिएटिव होता है, केवल उसके जो है डिस्क्रिप्शन में एक लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन का रहता है, वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालना होता है, उसके बाद जो आप NCS का कॉमन क्रिएटिव म्यूजिक जो है अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, ये कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजते हैं। तीसरा दोस्तों मिस्टर हैकर की तरफ से कमेंट है, यूट्यूब अकाउंट मेरे नेम पर है, क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर के नेम पर एड्स बना के लिंक कर सकता हूँ, एडसेंस बनाकर लिंक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका यूट्यूब अकाउंट आपके नेम पर है और आप चाहते हैं कि फैमिली मेंबर के नेम पर एडसेंस बनाकर उसे लिंक कर दिया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है, ये जो है इलीगल नहीं है, लीगल है, आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर रेखा फैमिली की तरफ से कमेंट है दोस्तों, ये लिखती है कि मेरा भी नया यूट्यूब चैनल खोली हूँ जिसमें मेरा कम से कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन यूट्यूब वाले भी वह वॉच टाइम सब्सक्राइबर सब कम कर दिया है, मेरा तो एकदम दिल ही टूट गया, आगे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ? तो रेखा फैमिली जी, ये कमेंट मैं देखा तो मुझे लगा कि आप जो है ब्लॉगिंग शायद कर रही हैं, तो अगर आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम घट रहे हैं तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो अपडेट रहता है वो जो है बाद में बढ़ जाता है। तो आप जो है अगर वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो वीडियो बनाते रहिए और रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कीजिए, और आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो है यूट्यूब आपको दे देगा वापस। दोस्तों अगला कमेंट है टेक्नो बॉयज टिप्स ट्रिक्स की तरफ से, भाई गरीब की वीडियो कोई नहीं देखता। बात सही है दोस्तों, गरीब की वीडियो कोई नहीं देखता, क्योंकि गरीब जो है क्या दिखाएगा। लेकिन आप जो है कुछ ऐसे चैनल को मैं बता दूं जो कि गरीब है लेकिन उनकी वीडियो जो है मिलियन में व्यूज लाती है, तो आपको जो है जाकर देखना चाहिए कि गरीब लोगों की भी वीडियो देखते हैं। अक्सर लोग जो है हाई फाई सोसाइटी वालों की भी वीडियो देखते हैं, वीडियो किसकी नहीं देखी जाती, मिडिल क्लास वालों लोगों की नहीं देखी जाती है। दोस्तों अगला कमेंट है लीजेंड राजीव की तरफ से, ये लिखते हैं, भाई मुझे लगता है बहुत यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हो। ऑफकोर्स ये बात है दोस्तों कि अगर यूट्यूब पर ग्रो करना है, पैसे कमाना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ। दोस्तों अगला कमेंट है एस्प्रियंट लाइफ नोट की तरफ से, ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं मुझे नहीं समझ में आता, इसमें गाली है कि क्या है, आप ही लोग पढ़ के बता दीजिएगा। और कमेंट हिंदी या इंग्लिश में होता तो शायद मैं रीड भी कर लेता, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज आएगी तो मैं शायद रीड नहीं कर पाऊँगा, आप ही लोग इसका सोल्यूशन बता दीजिए और क्या है इसमें। एस्प्रियंट लाइफ नोट जिनके कि लगभग
वन के सब्सक्राइबर हैं और किस लैंग्वेज में लिखे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज़ अगर रीड कर सकते हैं तो इसके बारे में मुझे बताइएगा कि गाली लिखे हैं कि क्या पूछे हैं, ताकि मैं इनका रिप्लाई दे सकूं। अगला कमेंट दोस्तों मनोरमा जी की तरफ से ये लिखती हैं, थैंक्स भाई आप सभी सवालों के जवाब दे देते हो। तो मनोरमा जी मैं आपको बता दूं कि संडे कमेंट मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है, Q&A एपिसोड जो मैंने स्टार्ट किया दोस्तों ये प्रत्येक संडे को अब आपको मिलेगा और मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ये जो है Q&A एपिसोड या Q&A सेशन जो है स्टार्ट किया है, ताकि आपका कोई भी कमेंट कोई भी डाउट जो है छूटे ना, मैं सभी का जो है रिप्लाई दे सकूं और सभी लोगों का हेल्प कर सकूं। यहाँ पर दोस्तों अगला कमेंट है फनी मोमेंट्स की तरफ से, ये लिखते हैं बिना फेस दिखाए कॉमेडी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिना फेस दिखाए आप कॉमेडी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप फेस नहीं दिखाना चाहते हैं तो बिना फेस दिखाए भी काम कर सकते हैं यूट्यूब पर। अगला कमेंट है क्विक रिजल्ट फास्ट की तरफ से, ये लिखते हैं सर 1000 सब्सक्राइबर हुआ बट 4K आवर्स ना हो तो क्या किया जाए। देखिए अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, 4K वॉच टाइम नहीं होता है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको आप आगे भी कर सकते हैं। बस आपको जिस दिन से चेक करना है उस दिन से 12 महीने के ही अंदर वॉच टाइम चेक करना है, उस टाइम आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला कमेंट है शिवम इंडियन की तरफ से, लिखते हैं कि सर जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं आप हम पुराने फ्रेंड्स को रिप्लाई देना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ ना भूलें सर। बात सही है, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मैं कैसे भूल सकता हूँ आप लोगों को, इसलिए तो मैंने Q&A सेशन स्टार्ट किया है कि अब आपका जो है Q&A सेशन लाइव जो है आकर मैं रिप्लाई दूंगा। उस तरह मैं कमेंट में कुछ भी लिख देता था आप लोग रीड कर लेते थे, लेकिन अब जो है आप वीडियो के सामने देखेंगे कि सर कैसा रिप्लाई दे रहे हैं, तो अब जो है आपको संडे को जो है आपके सभी सवालों का जवाब जो है मिलता रहेगा। और मैं किसी भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स को नहीं भूलने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको कभी भी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स नहीं मानता हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं। इसकी अहमियत जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर बताता रहूँगा, तो जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा आप लोग को भी मैं ग्रो करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला कमेंट दोस्तों म्यूजिक एंड रिलीजन की तरफ से, ये लिखते हैं जिस एडसेंस अकाउंट से पुराना चैनल रिजेक्ट हुआ था क्या उसी एडसेंस से दूसरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपका एडसेंस सेफ है तो उसे जो आप दूसरा चैनल ऐड कर सकते हैं। लेकिन चैनल वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, कुछ ऐसी एक्टिविटी रही होगी तो हो सकता है कि यूट्यूब उसको या गूगल टीम जो उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन एडसेंस एक ही बार बनता है, तो अगर आपका एडसेंस सेफ है तो आप जो उसे एक नया यूट्यूब चैनल ऐड कर सकते हैं। ऑक्टोपैड प्लेयर सुकांता, ये लिखते हैं ब्रदर एक बात जानी थी कि मैं किसी भी गाने को यूज करता हूँ तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आता, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग यूज कर रहे हैं या कोई भी म्यूजिक यूज कर रहे हैं, तो अगर आप कॉमन क्रिएटिव म्यूजिक यूज कर रहे होंगे तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, लेकिन आप जो है स्टैंडर्ड लाइसेंस वाली कोई भी म्यूजिक यूज करते हैं या कोई बॉलीवुड सॉन्ग यूज करते हैं तो उस पर जो कॉपीराइट क्लेम अगर नहीं भी आ रहा है तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस समय रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि सभी सॉन्ग जो है कॉपीराइटेड होते हैं, तो आप जो है सोच समझ कर यूज कीजिएगा। फिर से अगला कमेंट है म्यूजिक एंड रिलीजन की तरफ से, लिखते हैं वोटर आईडी में सर नेम नहीं है तो क्या एडसेंस अकाउंट बनाते समय पुराना नाम यानी सर नेम लिख सकते हैं, क्या वेरीफाई हो जाएगा? तो वोटर आईडी से आप क्यों कर रहे हैं, आप आधार कार्ड पर अपना सर नेम जो है सही कर लीजिए और जो है उससे बनाइए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड ही लगता है और कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। बैंक डिटेल्स में जो नेम है, बैंक पासबुक पर जो नेम है, वही नेम आपके आईडी कार्ड पे होना चाहिए, पैन कार्ड पे होना चाहिए और आप जो है एडसेंस का यूज कर सकते हैं। अगला कमेंट है दोस्तों यहाँ पर देसी वाइंस की तरफ से, ये लिखते हैं भैया मैंने एक चैनल बनाया था 2020 में, उसमें दो वीडियोज बनाकर डाला था, 364 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन मैंने फिर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब एक साल से ज़्यादा हो गया है टाइम, अब मैं कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकता हूँ या नया चैनल बनाना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। दोस्तों एक साल जो लोग काउंट करते हैं उनको ये डर रहता है कि जिस दिन से चैनल बनाए हैं अबाउट में जाकर जो डेट देखते हैं उसी से जो एक साल जोड़ लेते हैं कि उसी में जो है हमको 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटे वॉच टाइम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, चैनल पुराना है तो भी काम कर सकते हैं, लेकिन चैनल अगर ज़्यादा पुराना हो चुका है तो वो चैनल डेड हो जाता है, मतलब ग्रो करने में काफ़ी जो है उसको मशक्कत करनी पड़ती है, उस पर आपको रेगुलर वीडियो डालनी पड़ेगी तभी आपका चैनल ग्रो कर पाएगा। लेकिन अगर आप पुराने चैनल पर काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो पुराना चैनल उस पर कुछ सब्सक्राइबर है तो आप काम कीजिए, और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उसके आगे जो भी सब्सक्राइबर आपके नए आएंगे उससे अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट कर लीजिए, पुराने चैनल पर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बस आपको मेहनत रेगुलर करनी पड़ेगी, कोई भी चैनल है उस पर आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने कुछ कमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश किया था अपने संडे Q&A सेशन में। अगर आपको ये संडे Q&A सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर गलती से भूल से भी अगर आपका कमेंट मैंने नहीं रीड किया है तो उसके लिए सॉरी,
मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई वीडियो के नीचे भी दे देता हूँ, लेकिन जो भी कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इसका जो है वीडियो बनाकर रिप्लाई देना चाहिए, उस कमेंट को जो है मैं अपने जो है संडे क्यू एन ए में शामिल करूँगा। और अब जो मैं इंस्टाग्राम से ज़्यादा जो है वहाँ से मैसेज लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज करता है उसको जो है मैं ज़्यादा देखता हूँ, और वहाँ पर जो भी मैसेज आता है उसको रीड करके उसका जो है सोल्यूशन पूरी तरह से मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर जो है अपना DM कीजिएगा #AskGurudev लगाकर, और अपना जो है जो भी मैसेज है वो टाइप करके आप वहाँ पर जो है बातें बताइएगा, मैं उस पर जो है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, #AskGurudev टाइप करके जो है क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा जिसके आगे #AskGurudev लगा रहेगा। तो ये पहला सेशन था Q&A का, तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा काम नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम, संडे को मस्त रहें, जय हिंद।